दोस्तों नमस्कार। कई बार हमारे साथ ऐसी समस्या होती है कि हमारी बकरी या भेड़ जब बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद जेर नहीं गिरती। हमने एक वीडियो बनाया था कि बच्चा देने के तुरंत बाद यानी 5 घंटे, 10 घंटे या 15 घंटे में अगर जेर नहीं गिरती है तो हमें क्या करना चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि सब कुछ देने के बावजूद जेर नहीं गिरती। आपने जो नुस्खा हमने बताया था वो इस्तेमाल कर लिया, आपने मेडिकल स्टोर से दवा ला करके इस्तेमाल कर ली, आपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से दवा भी दिलवा ली और ये सारे काम कर लिए, उसके बावजूद जेर नहीं गिरी। तो आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा हम लेके आए हैं जो कि बहुत ही शानदार, आजमाया हुआ, कारगर है। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, बकरी की या भेड़ की जहर जो है वो आराम से गिर जाएगी। देखिए उसके लिए हमें करना क्या है, हमें 1 गिलास दूध लेना है, सिर्फ 1 गिलास दूध, चाहे वो बकरी का है, गाय का है या भैंस का है। 1 गिलास दूध आप लें और उसे अच्छी तरीके से गर्म करें यानी उबालें, उसे उफान आनाएं, और उफान आने के बाद जब वो उफान पर रहता है उस समय हमें उसमें 1 कप सरसों का तेल और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। सरसों का तेल आप परिचित हैं, सौंठ का पाउडर यानी अदरक का जो सूखा हुआ रूप होता है, सौंठ जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, वही सौंठ 1 चम्मच उसमें डाल देना है। उसे कम से कम 2 उफान और दिलाने हैं, उसके बाद उसे ठंडा करके और बकरी को पिला देना है। ये काम हमें दिन में 3 बार करना है। होता क्या है, गाय भैंस में हम हाथ डाल करके जहर निकलवा लेते हैं, बकरियों में ये संभव नहीं है। इसीलिए जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, पूरे आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, तब आप दिन में 3 बार इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, 100% रिजल्ट मिलेगा, यानी जो अटकी हुई जहर है वो 100% निकल जाएगी। इसके अलावा अगर बकरी के थन में कोई तकलीफ है तो इससे ठीक होगी, अगर तकलीफ नहीं है तो कई बार क्या होता है, जब जहर नहीं गिरती तो बच्चेदानी में मवाद पड़ जाती है, और जब बच्चेदानी में मवाद पड़ना यानी जिसे हम मेट्राइटिस बोलते हैं, उसी दौरान मेस्टाइटिस और हो जाता है यानी थनेला भी हो जाता है, थन की खराबी हो जाती है। तो हमारा ये जो नुस्खा दोनों में काम करेगा और आपकी बकरी, आपकी भेड़ एकदम से तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।